ठीक है बच्चों, दिस इज योर प्रीवियस टर्न लेक्चर। दिस इज योर लेक्चर नंबर 7 जो मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में काफी सारे आपको एप्लीकेशन सिखाए थे, और बल्कि प्रीवियस टर्न पे आपके दो लेक्चर एक साथ हुए थे, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, जिसमें आपने काफी सारे अपने डाउट्स और काफी सारी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन भी आपने एक से एक बढ़ के देखे थे। और साथ ही में आपने एक नया कंसेप्ट भी देखा था, वो नया कंसेप्ट था ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पे। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पे आपने जो बेसिकली क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी भी इंडिकेट हो रहा है। तो ट्रेस का मतलब ये होता है बच्चों, वंस अगेन, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रेस लेते हैं तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, देखो ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका हम सम कर देते हैं। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, और क्लास ओवर करते करते मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर गलती से आपके पास कोई इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स लिख दे तो आपको क्या यूज करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ये सिर्फ एक टर्म होता है जो डराने के लिए यूज किया जाता है एडवांस वगैरह के एग्जाम में, लेकिन आपको डरना नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका स्क्वायर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों जरा हम यस लोग सर। पीछे जाते हैं। यस बेटा सर बोलिए। इसका सर एक एग्जांपल बता दीजिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का। अरे बेटा हाँ, सब बताएंगे, बहुत सारे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको जो है, आपके पास एक वर्कबुक भी होगी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की, एज वेल एज वर्कबुक के साथ साथ मतलब वर्कबुक में जो प्रिंटेड है वो सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस अब आपकी देखिए काफी सारे स्क्रीन पे हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की। तो इस तरह की एक्सरसाइज अब आपको खुद ही से ही कंप्लीट करनी होगी, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको खुद से कंप्लीट करने होंगे एक एक करके। तो बच्चों ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि पिछले टर्न पे कि सर अभी और क्वेश्चंस कराइए। तो जस्ट वेट, मैं भी और क्वेश्चंस आपको कराता हूँ और सबके एप्लीकेशन बताऊंगा, बस आपको बैठे रहना है। लेकिन मैं रेस नहीं लगाऊंगा, मैं बताऊंगा एकदम धीरे धीरे ताकि सबको समझ में आए, क्योंकि थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ने पर आप रेस को फॉलो नहीं कर पाते हो बिल्कुल। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ही अभी मैंने एक मिसलेनियस का क्वेश्चन जस्ट अभी प्रिंट किया है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया जिसकी वजह से मैं पहले इस क्वेश्चन को लिखता, लेकिन अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही है, जितने बच्चे इसको करना चाहते हैं इसको करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4, और ये रहा बच्चों उसका सॉल्यूशन। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये दिखाना है कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो थीटा पे डिपेंड नहीं करती है। इस डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करती है। अब बच्चों देखिए, वैसे तो ये डिटरमिनेंट काफी इजी लग रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ट्रिक है कि इसको और यहीं पे रिड्यूस कर ले या दो जीरो बना ले तो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रिड्यूस ना करना चाहे डायरेक्टली एक्सपेंड करना चाहे उससे भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें टर्म्स बड़े बड़े नहीं है, काफी छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो ये जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग इसको एक बार डायरेक्टली ऐसे ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स। तो बच्चों यहाँ पर एक्सपेंशन सभी को आता है, एक्स पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, सब बच्चे ध्यान से देखें, यहां पर किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम, पहले मैंने लिखा एक्स और फिर मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस एक्स का एक्स से, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर ये बच्चों आएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, फिर ये हो गया पहली रो दूसरी कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां तक हो गया, उस प्लस कॉस थीटा टाइम्स, अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स कॉस थीटा। देखो माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स कॉस थीटा। क्या सभी बच्चों ने कॉपी में किया धीरे धीरे? और बच्चों अगर किया है तो अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ओपन करो।
जब आप सिंप्लीफाई करो, ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? जब आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो ये सिर्फ निकल करके आएगा, थीटा पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करें, ये सिर्फ माइनस एक्स क्यूब निकल के आएगा और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको डिफिकल्ट मत बनाइएगा। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सिंप्लीफाई करने वाला तरीका बता दीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई बिना एक्सपेंड करें। चलो बाद में बताते हैं, बाद में बताते हैं बेटा। अब बच्चों हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को चलो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है तो प्रॉपर इसको वैसे ही कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, तो अब हम लोग इसमें डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसमें लिखा हुआ है तो हम लोग वैसा ही काम करेंगे। क्योंकि तो बच्चों जिन क्वेश्चन में स्पेशली अगर लिख दिया जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो समझ लेना वहां पे आपको फिर विदाउट एक्सपेंड करके ही करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सपेंड अब नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए, करना स्टार्ट करिए। और कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल उसके हाथ धो के पीछे मत पड़िएगा, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक पास आपके पास डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को एक दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल दिखाना है, ठीक है? तो बच्चों उस दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल दिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले वाले डिटर्मिनेंट में, पहले वाले डिटर्मिनेंट 1 1 1 होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर के टर्म्स है, ए क्यूब के टर्म्स भी नहीं है और 1 1 1 के टर्म्स भी नहीं है, तो आपको ये सब टारगेट देना होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां लिख देते हैं आर वन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए का, ठीक है? देखो आर वन में हम ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर टू में हम बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर थ्री में, ठीक है, मतलब ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड, आप जैसे चाहे वैसे लिख लो, ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बच्चों ये देखो भाई, और मैंने डिवाइड कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, करना स्टार्ट करो भाई, देखो नहीं, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। तो बच्चों ये आपका डिटर्मिनेंट निकल करके आ गया। अब बच्चों देखो आपका 1 1 1 अपीयर हो गया, क्योंकि बच्चों जो थर्ड कॉलम है ना उसमें से ए बी सी आप कॉमन लेकर के बाहर निकाल दो, जैसे ही कॉमन लेके बाहर निकालोगे अंदर 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया तक? yes, तो ये देखो बच्चों 1 1 1 आ गया। उसके बाद बच्चों अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाला डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली जो प्रूविंग वाला डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल नहीं है। तो तुम कहोगे yes, सर आपने प्रॉपर्टी सिखाई थी कि इंटरचेंज करने वाली, तो सर एक बार आप क्या करिए, यहाँ पर इंटरचेंज कर लीजिए, सी वन को इंटरचेंज कर लीजिए सी थ्री से, तो सर ये एक इंटरचेंज हुआ तो एक माइनस बाहर आएगा, ठीक है? फिर एक दूसरा इंटरचेंज कर लिए, सी टू को रिप्लेस कर दीजिए सी थ्री से, फिर एक माइनस बाहर निकलेगा, जब माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आई थिंक सभी बच्चे अपनी कॉपी में करें धीरे धीरे, पूरा मेरे ऊपर डिपेंड ना हो, धीरे धीरे करो कॉपी में। तो मैंने क्या बताया, सी वन और सी थ्री में देखो बेटा, ये सी वन है और ये सी थ्री है, इनको इंटरचेंज करो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वन चाहिए, ठीक है ना? अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, क्योंकि हमें वन चाहिए पहली कॉलम में, इसलिए मैंने उसको इंटरचेंज किया है, ठीक है? तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये मतलब पहला इंटरचेंज है। एक इंटरचेंज पे एक माइनस का साइन आता है। अब बच्चों हम दोबारा फिर से इंटरचेंज कर रहे हैं, इसमें हम सी टू को सी थ्री से कर रहे हैं, तो C2 कहाँ है बच्चों, ये C2 है और ये C3 है, इनमें इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे इंटरचेंज करेंगे बच्चों तो हमें जो प्रूफ करना है वो हमें दिखने लगेगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट जो इंटरचेंज करेंगे उससे फिर एक माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमको हमको जो प्रूफ करना था वो एग्जैक्टली निकल करके आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गया सबको? यस सर। कॉपी में करते जाओ मेरे साथ, हमने स्पीड अभी भी धीरे ही रखी है। और याद रखना अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए
तो बिल्कुल उसके हाथ धो के पीछे मत पड़ जाना, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। ओके, तो बच्चों आपके साथ मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करा जैसा लिखा हुआ है, यानी कि बिना एक्सपेंड किए। सर हमने पहले वाले स्टेप में सर R1 में A और R2 में B और R3 में C से मल्टीप्लाई किया था। हाँ, ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यस बेटा, ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो बच्चों आप लोग ने नोट कर लिया है क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए सर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छी बात है, नोट कर लिया। बच्चों देखो अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्टली इवैल्यूएट लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको इवैल्यूएट ही कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ऑलरेडी टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया आएगा। पहले तो हम ये देखते हैं इसमें कोई शॉर्टकट लग सकता है, कोई शॉर्टकट 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 किसी में, कोई ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, कोई फॉर्मूला वगैरह, साइन अल्फा न, इसमें कोई फॉर्मूला वर्मूला नहीं लग रहा है। एक काम कर लो, उसको डायरेक्ट एवेल्युएट कर लो। इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डायरेक्टली लगते हुए नहीं समझ में आ रहा है, और इसमें एवेल्युएट भी लिखा हुआ है, तो उसको एवेल्युएट ही कर लो। लेकिन एवेल्युएट करने में ट्रिक है इसमें, ऐसा करना कि पहली रो के अबाउट एवेल्युएट मत सर करो। लास्ट वाली रो में कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, ठीक है, करके चेक करो, करके चेक करो। तो बच्चों पहली वाली रो के अबाउट एक्सपेंड मत करो, उसको एक्सपेंड करने का सबसे शॉर्टकट ये है कि आप थर्ड वाली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो। अगर थर्ड वाली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, और वैसे भी इसको एक्सपेंड ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे इवेल्युएट लिखा हुआ है, यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट ये नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, तब तक आप उसको नहीं लगाएंगे प्रॉपर्टीज वगैरह को। ठीक है, ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक्सपेंड करते चले जाइए। कैसे करें? थर्ड वाली कॉलम के अबाउट कर रहे हैं, तो पहले लिखेंगे माइनस का साइन अल्फा। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये माइनस का साइन अल्फा जिस रो जिस कॉलम का है मैंने उसको काट दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करो, करो थर्ड वाली कॉलम के अबाउट बच्चों, करो सभी लोग करो, एक दूसरे का मुंह ना देखो। साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, दूसरा वाला जो कॉलम का एलिमेंट है वो जीरो है। ध्यान से देखो, दूसरा वाला जो कॉलम का एलिमेंट है वो जीरो है, तो उसके अबाउट तो जीरो आएगा, तो ये तो खत्म हो गया एक्सप्रेशन। तीसरा वाला आएगा कॉस अल्फा। ठीक है, क्या आएगा? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा वाला कैंसिल करो सब कुछ, ये है कॉस अल्फा वाला, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे। चलो करना स्टार्ट करो, क्या आया बताओगे? ये आया कॉस अल्फा टाइम्स कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, देखो यही आएगा ना, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। सही लिखा है ना? माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब बच्चों उसको जरा ओपन ओपन सब कर लो, उसको ओपन वगैरह करो बच्चों सब। तो बच्चों जब ओपन करोगे तो तुमको दिखाई देगा कि साइन स्क्वायर अल्फा के साथ आ रहा है कॉमन, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा फाइनली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1। यानी ये क्वेश्चन था बेसिकली ऐसा कि दिस क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, और वाकई में ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है अल्फा और बीटा, इसको मैंने शो भी कर दिया। क्या सभी बच्चों ने एक्सपेंड किया? क्लास में बच्चे सर। ओके, क्लास में बच्चे 58 है क्या? मैंने तो आज तक 53 ही देखा है।
तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड थर्ड पोर्शन हम लोग ने एवेल्युएट कर लिया पूरे अच्छे तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखो बच्चों क्या लिखा है, ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है ए बी सी आर रियल नंबर्स, और यहाँ पे लिखा है जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल है। अगर डिटरमिनेंट इसका जीरो है तो आपको शो करना है कि यहां से कंडीशन आएगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये कंडीशन आएगी। बच्चों एक का बात बताएं, इसमें तो देखो ये क्वेश्चन बहुत जाना पहचाना है, इसमें तो डायरेक्टली ये भी दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं और लगाने पर बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि वन 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 तो डायरेक्ट अपियर करा सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो डायरेक्टली ऐसे नजर आ रहा है, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है, जो हमें शो करना है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, और ए प्लस बी प्लस सी तो हमें ऐसे ही डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम आर वन को रिप्लेस कर दें आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, तो हर बच्चा अपनी कॉपी में एक इजी सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके जो रिक्वायरमेंट है पहले वो क्रिएट कर ले, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वो तो आपको पहले ही पता है और वो ऐसे ही दिख रहा है, तो आप इसको लगा ही लीजिए फिर। चलिए लगाइए, तो ये बन जाएगा टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, चेक करो बन रहा है ना, चेक किया, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है ना डायरेक्टली, क्यों भाई बच्चों? यस सर, चेक करो, लगा करके चेक करो, लगाओगे तो पता पड़ेगा। यस सर, उसके बाद यहां पर सब एज इट इज है, तो ये हो गया सी प्लस ए, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है भाई, ये सारी चीजें इक्वल टू जीरो ही चल रही है अभी। अब बच्चों टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, तो जब कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, वन वन वन, वन वन वन, यहां हो गया सी प्लस ए, यहां हो गया ए प्लस बी, और यहां हो गया बी प्लस सी, ये हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये हो गया इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? अभी तक के सारे स्टेप्स तो बहुत इजी हैं। अब बच्चों उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि दो जीरो यहाँ पे ऑलरेडी बन सकते हैं, क्योंकि वन 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 दिखने पर जो खुशी की लहर आती है वो बिल्कुल मोदी की तरह होती है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं दो ट्रांसफॉर्मेशन, सी टू को रिप्लेस कर दो सी टू माइनस सी वन से, और सी थ्री को रिप्लेस कर दो सी थ्री माइनस सी वन से। तो बच्चों ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जीरो बना लीजिए, जैसे ही जीरो बनाएंगे आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ने लगेगी और आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों करना स्टार्ट किया, खुशी की लहर दौड़ रही है, खुशी किसी लड़की का नाम नहीं है, मतलब खुशी। तो क्या आया बच्चों बताओ जरा, यहाँ पे यहाँ आएगा वन, ये पहला वाला तो अनचेंज है, ये सी प्लस है, ये ए प्लस बी, बाकी जगह जीरो बन गया, ये बी माइनस सी, ये सी माइनस है, ये भी जीरो बन गया वन माइनस वन, ये भी बी माइनस है, ये सी माइनस बी, ठीक है, बोलो समझ में आया। और मैंने टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी पहले ही कॉमन ले रखा है, इक्वल टू जीरो, बोलो भाई समझ में आ गया? तो बच्चों ये डिटरमिनेंट को मैं एवेल्युएट कर रहा हूं, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ चुका है, अब इससे ज्यादा जीरो बनाने की मेरे पास क्षमता नहीं है, मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये आएगा बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है बच्चों समझ में आ गया? ओके यस सर,
अब बच्चों अंदर वाला टर्म मल्टीप्लाई करो, जरा सब कुछ मल्टीप्लाई कर डालो, तो बच्चों जब आप अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करोगे करके देखो जरा, आएगा BC, ये आएगा बच्चों AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, आप चेक करो, आराम से चेक करना। और बच्चों एक टर्म आपको चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो तो आ ही गया क्योंकि ये जीरो में चला जाएगा। और बच्चों जब इसको जीरो करोगे तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा। तुम कहोगे सर कैसे आएगा, हमने कहा बचपन की यादें हैं, याद करो आएगा, क्योंकि जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तो आपको फर्स्ट टर्न पे बताया जाता है कि ये वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपने इसको जीरो किया, इसमें आपने माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगा, और जो चीजें अच्छी लगती है तो उनको बार बार देखने का मन करता है, जैसे ये क्वेश्चन। अब बच्चों क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, याद आया कुछ, जब टू मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर कुल, हाँ देखो एक बच्चे ने बोला ये टू बी स्क्वायर उसको ऐसे लिख दो, ये हो गया टू सी स्क्वायर उसको ऐसे लिख दो, ये हो गया माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये बच्चों सब इक्वल टू जीरो चल रहा है। अब देखो बच्चों मोदी की तरह खुशी की लहर दौड़ रही है, ये है तुम्हारी खुशी, पहचानो उस खुशी को, क्या बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बच्चों टू मल्टीप्लाई कर देना, टू ए भी नहीं होंगे ठीक है, और यहाँ हो गया बच्चों बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों सी माइनस ए का होल स्क्वायर। टर्म्स अपने आप कलेक्ट कर लेना, एक का ए स्क्वायर, एक का बी स्क्वायर, एक का टू ए बी, फिर एक का बी स्क्वायर, फिर एक का सी स्क्वायर, एक का टू बी सी, फिर एक का सी स्क्वायर, फिर एक का ए स्क्वायर, फिर टू सी ए। तो बच्चों तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर जीरो आ रहा है तो वो तभी जीरो आ सकता है जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। तो बच्चों जब तीनों को जीरो करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्वेश्चन इज फिनिश, बच्चों मैंने क्वेश्चन फिनिश कर दिया है, आपको कोई समस्या हो तो पूछिए। लास्ट थर्ड स्टेप में क्या किया है, लास्ट थर्ड स्टेप हम समझ नहीं पा रहे, ये वाला स्टेप समझ गया सर, ठीक है, टू फॉर्म, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, उसके बाद मैंने टर्म्स कलेक्ट कर लिए, एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, एक टू ए बी, फिर एक बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर, एक टू बी सी, उनको कनेक्ट किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए, और तीन परफेक्ट स्क्वायर का सब अगर जीरो है तो वो तभी हो सकता है जब तीनों ही जीरो। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा देखना, वैसे समझ में आ जाना चाहिए भाई, बहुत देर तक बताया। जरूरी नहीं आपसे सारे क्वेश्चन होने लगे, सब समझ में आने लगे, आप टॉपर बन जाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हो तो उसमें एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब जेई मेंस का पेपर करके आओगे तो ऐसा थोड़ा ना कि पूरा ही पेपर करके आओगे, एडवांस का कोई पूरा पेपर थोड़ा ना करके आता है। बच्चों यहां से कंटिन्यू करें अब आगे, तो अब बच्चों जो YouTube में हम लेक्चर अपलोड करते हैं तो जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो तुम्हें उसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अब हम लेक्चर के साथ नीचे PDF नोट्स भी डालते हैं, उस लिंक को क्लिक करोगे तो PDF नोट्स भी खुल जाएंगे। तो अब अलग से PDF नोट्स ना मांगा करो, PDF नोट्स आपको लेक्चर के नीचे मिल जाएंगे। लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में जाओगे, वहां पे लिखा होगा जस्ट क्लिक फॉर PDF नोट्स, जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम टेलीग्राम के चैनल पे चले जाओगे, तुम्हें वहां पे नोट्स ओपन कर लेना, ओपन हो जाएंगे। चलो आगे कंटिन्यू करें, करें भाई आगे, यस सर। चलो तो आज के दिन जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो बच्चों यहां पर आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपके सामने ये रहा, कन्हैया जी की तरह मुस्कुराता हूं। सॉल्व द इक्वेशन एक्स प्लस ए एक्स एक्स वगैरह वगैरह, बेटा इसको सॉल्व करके एक्स निकालना है। अब चाहे तुम जैसे कर लो, हमको तो ये भी दिख रहा है कि इसमें आइडेंटिकल टर्म्स बन जाएंगे और 1 1 1 बन के 0 भी आ जाएगा, तो तुम्हारा मन चाहे जैसे करो। ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहो तो बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन है, खुद ही लगा लो, अब तो आदत पड़ गई होगी। आर वन को रिप्लेस कर दो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, किया रिप्लेस किया, कितना हुआ 3x प्लस a, ठीक है। तुम लोग की सुबेरे एनर्जी कम होती है कि थर्ड क्लास में एनर्जी कम होती है? हमें तो लग रहा है सुबेरे एनर्जी तुम लोग की कम है, थर्ड क्लास हम पढ़ाते हैं उसमें तुम लोगों को पूरी एनर्जी होती है, आप फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं तो एनर्जी है ही नहीं। चलो हम आगे से अब थर्ड क्लास ही लगवाएंगे, फर्स्ट क्लास नहीं लेंगे। 1 1 1 x x x plus a x x x plus a, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इक्वल टू जीरो। यस सर। अब बच्चों देखो खुशी की लहर दौड़ रही है, यहाँ पे 3 1 बनने के बाद मन में खुशी आ जाती है कि आप यहाँ पे 2 0 बना सकते हैं, तो खुशी का इजहार करो, लगा दो c2 का रिप्लेसमेंट करो c2 माइनस c1 से, और C3 का रिप्लेसमेंट करो C3 माइनस C1 से। जैसी लगाएंगे आपको आराम मिलेगा। 3x प्लस a या 1x x ये 0 a 0 या 0 0 a, ठीक है, ये सब इक्वल टू 0 चल रहा है। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, उस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक डाटा ये भी गिवन था कि ए जो है वो जीरो नहीं है। चलो अब बच्चों उसको एक्सपेंड कर लो, चलिए भाई एक्सपेंड करिए, तो वन करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस जीरो, बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ से ए जीरो हो नहीं सकता, तो 3x प्लस ए को जीरो कर देंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का ए बाई थ्री। क्वेश्चन इज फिनिश, क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। अरे ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, पता नहीं तुम लोग में एनर्जी कम है। कर लिया सर। ओके बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है तो पूरे जोश के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को करना स्टार्ट करो। सर एक बार दिखा दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी लिखा ही कहां है, दिखा रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 अभी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये वाला था, पहले इसको देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सभी बच्चों के पास होती है, तो एनसीईआरटी भी आप ओपन कर सकते हो, तब से शुरुआत से बता रहे ये चैप्टर नंबर 4 है, मिसलेनियस है, ओपन करना चाहे तो ओपन कर लो, वर्कबुक है तो वर्कबुक ओपन कर लो, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेंगे, बस वर्कबुक में ये क्वेश्चन तुम्हें देखना पड़ेगा कौन से नंबर पे है, देख करके वहां नीचे सॉल्यूशन भी कर सकते हो। पर एक बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना ऊपर। हाँ ये मैंने कर दिया, और बच्चों आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपने स्टार्ट किया,
यस सर। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके सामने। आप लोग कहोगे सर आप तो एकदम करोड़पति की आवाज में बोल रहे हैं, अब तो करोड़पति बंद हो गया। वैसे करोड़पति आता अच्छा था, अब पता नहीं पैसे मिलते थे कि नहीं मिलते थे ये पता नहीं, लेकिन आता अच्छा था। ओके तो सबसे पहले बच्चों देखो यहां पर आपको एक चीज दिखेगी, इधर देखो मेरी तरफ देखो एक मिनट, देखो ए ए ए आपको कॉमन दिखेगा जब कोई चीज, देखो बी भी कॉमन दिख रहा है, ये देखो सी भी कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, तो कॉमन दिख रहा है तो बेटा उसको कॉमन तो लेंगे, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, कॉमन ले लो। ये बना ए, ये हो गया ए प्लस बी, और फिर ये हो गया बी, ये हो गया यहाँ से बी कॉमन है तो सी, यहाँ बी, यहाँ हो गया बी प्लस सी, यहाँ हो गया ए, यहाँ बचा सी, ये हुआ ए और ये हुआ सी। तो बच्चों मैंने 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, उसमें से मेरे पास ab तो आ गया, क्या आ गया ab। अब बच्चों तुमको दिखेगा कि सर यहां पर कुछ और टर्म्स भी दिख रहे हैं, जीरो वगैरह भी हो सकता है, जीरो हो सकता है क्या? नहीं जीरो तो नहीं होगा, नहीं हो रहा सर, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो पहले रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, जरा R2 को रिप्लेस कर दो, ये रटा लिया करो, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से, कुछ ना हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लगा लिया करो भाई अपने आप, कुछ ना कुछ होता जरूर है इनको लगाने पे। तुमने पता नहीं कितने क्वेश्चंस देखे हैं, हर बार इनसे कुछ ना कुछ काम बनी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ए बी सी। तो क्या किया मैंने, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से, यानी मैंने R1 में कुछ नहीं किया, तो R1 वाले टर्म्स तो एज इट इज लिख दो। ओके ये वाले टर्म जो बचे, ये बचा आपका B, ये बचा B माइनस C, ये बचा माइनस का C, ठीक है, और उसके बाद ये बचा B माइनस A, ये बचा B, और ये हुआ माइनस का A। ओके अब यहां पर देखो, अब जीरो बना कुछ, तो भाई कोई जीरो नहीं बना, अल्लो इसमें तो अभी भी जीरो नहीं बन रहा। सर मैंने R1 को रिप्लेस किया था R1 माइनस R2 माइनस R3 से, तो सर अच्छा बन रहा है। ओके लगता है मैं क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में ले गया हूँ, कोई बात नहीं, एक बार और ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, जस्ट वेट, हो सकता है किसी से जल्दी हो किसी से लेट हो, तो हो सकता है। R2 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से, एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगाते हो, R2 को रिप्लेस करते हैं R1 प्लस R2 से, जरा वेट करो एक सेकेंड। A B C R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R2 से, सभी बच्चे में ध्यान दें, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R2 से, ठीक है, और R3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा R2 प्लस R3 से, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कहां ले जा रहा हूं, ओके लग जाएगा, लग जाएगा, R3 को रिप्लेस कर दो R2 प्लस R3 से, ठीक है, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, हो सकता है आपने हमसे पहले कर लिया उसके लिए बधाइयां आपको। तो ये हुआ A, ये हुआ C, ये हुआ A प्लस C, तो पहले हमने लगाया R2 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 से, तो ये हो गया आपका A प्लस B, ये हो गया B, ये हो गया A, फिर R3 को रिप्लेस किया R2 प्लस R3 से, तो ये हो जाएगा B माइनस A R2 प्लस R3, ठीक है, पहले R2 में रिप्लेसमेंट कर देना तब लगाना, तो R3 को रिप्लेस किया है R2 प्लस R3 से, B प्लस 2A होगा सर, कितना आएगा B प्लस 2A जो आपने माइनस, एक सेकंड, हाँ हाँ वही आएगा, मैं एक मिनट रफ में कर लेता हूँ, उतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, पगला गया हूँ मैं। ओके तो यहाँ आएगा 2B, 2B आएगा ना, B प्लस 2A कहां से आएगा, R2 प्लस R3 कर रहे हैं, तो 2B आएगा भाई,
यहां भी टू बी आएगा, यहां जीरो आ रहा है, ठीक है, यहां पे क्या आएगा जीरो, और ये है आपका ए, ठीक है, ये वाला आपका है एलिमेंट ए है ये, और वो भी माइनस ए नहीं सिर्फ ए है, जस्ट वेट, अब जाकर के सही ट्रांसफॉर्मेशन लगा। देखो बच्चों खुशी की बात ये है कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, टू बी थर्ड में टू बी माइनस ए आएगा, क्या कह रहे हो ये बेटा ट्रांस, हाँ जो लिखा है हमने सही लिखा है, हमने अपने चेक कर लिया, एक बार आर टू को रिप्लेस कर दो आर वन प्लस आर टू से, तो मेरे सेट मेरे जैसा ना करो, तुम अलग अलग लगाओ ना, डायरेक्ट को सोच रहे हो, एक बार आर टू को रिप्लेस करो आर वन प्लस आर टू से, पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, फिर आर थ्री को रिप्लेस करो अलग से आर टू प्लस आर थ्री से, एक साथ ना लगाओ। सर आंसर बता दीजिए, आंसर तो वही प्रूविंग वाला है ना, आंसर कैसे और एबीसी के साथ मैंने टू बी कॉमन लिया, तो टू बी कॉमन लेते ही यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि खुशी की लहर इसलिए दौड़ी क्योंकि क्या बन गया, वन वन बन गया, वन 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 बन गया, ठीक है। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, सी टू को रिप्लेस कर दो सी टू माइनस सी वन से, सी टू को रिप्लेस कर दो सी टू माइनस सी वन से, क्वेश्चन इज फिनिश, एक बार में खत्म पूरा। तो दिस इज वन, ये जीरो, ये जीरो, ये है आपका ए, ए प्लस बी, सी माइनस ए, माइनस ए, ए प्लस सी, ए, ठीक है, C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C1 से, C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C1 से, ध्यान दीजिएगा C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C1 से, तो ये बच्चों बन गया था 2B स्क्वायर टाइम्स AC, 2B स्क्वायर टाइम्स AC बन गया क्योंकि 2B मल्टीप्लाई होकर के AC इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन था आपके पास, सॉरी ये एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था आपका, देखो आपको प्रूफ करके लाना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यस सर यही आ रहा, तो बच्चों अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 2b स्क्वायर ac। बच्चों मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में ना जाओ, अब तुमसे कोई और लग रहा है तो तुम और लगा के चेक कर लो, हमने तो बेटा थोड़ा गलत डायरेक्शन में चालू कर दिया, तो हम उसी को एडजस्ट करने में चलते गए, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ गए, आपसे हो सकता है मेरे से जल्दी हो जाए, मैं असल में शुरुआत में थोड़े गलत डायरेक्शन में चल गया, मैं उसी को एडजस्ट कर, मैंने काटा नहीं, फिर मैंने क्या कि चलो इसी को कर देता हूँ। तो बच्चों ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लगा के फाइनली मैं इसको आखिरी में खींच ले आया हूँ, आप भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आज की क्लास के बाद आप तो पूरी वर्कबुक और पूरी एनसीईआरटी आप लगा सकते हैं। किसी को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता है, नहीं आते लगाने, तो जैसे मैंने जिस सीक्वेंस में लगाए उस सीक्वेंस में आप लगाते चले जाइए, आपका भी काम हो जाएगा। मैं कोई भगवान या जादूगर नहीं हूं, आप भी कर सकते हो। करा भाई, लगता है इस क्वेश्चन में लोगों की बैंड बज गई बेटा, अपने आप से भी करना पड़ता है, अपने आप से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, अपने आप से भी किया करो, तुम लोग बैठे रहते हो कि मास्टर साहब के एक एक स्टेप्स कॉपी करें, ऐसा थोड़ा ना होता है, इतना टाइम देना है खुद से भी करो। चलो एक इजी क्वेश्चन देते हैं, ये लो एक इजी क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन लेकिन कॉपी जरूर कर लेना, घर पे कर लेना, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वो भी आप ट्राई करिए। करो भाई, ये तो इजी लग रहा है बहुत, इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, आर वन को रिप्लेस कर दो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, क्वेश्चन खत्म, वन 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 बन जाएगा कॉमन लेते ही,
और 111 बनते ही खुशी की लहर दौड़े। दौड़ी खुशी की लहर। यस यार, तुम लोग 1:30 बजे क्लास लेते हैं तो उसमें सब लोग बोलते हो, अभी सवेरे सवेरे लेने तो सब लोग चुपचाप बैठे। R1 को रिप्लेस कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 रिप्लेस करो। कॉपी मत करो मेरा, रिप्लेस करो। चलो सब लोग X प्लस Y, ये समझते नहीं हो क्या? देखो देखो, ये है X, ये R1, ये R2, ये R3, तीनों को ऐड करोगे क्या आएगा? X प्लस Y प्लस X प्लस Y प्लस, तो 2 टाइम्स X प्लस Y बन जाएगा। उसमें कौन सा बड़ा तोप है, तो खुद से भी कर सकते। ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब देखो खुशी की लहर दौड़ रही है। 2 टाइम्स x प्लस y कॉमन ले लो, 111 आ जाएगा। हम अगले पेज पे लिख देते हैं इसका आंसर। आंसर बेटा अभी हम देखते हैं, पीछे से देख, पीछे देख के बताते हैं, जस्ट वेट कर लो, कर ले पहले। 2 टाइम्स x प्लस y यहां हो गया 111, y x प्लस y, x प्लस y, x x y। ठीक है भाई, अब भैया वही रिपीट कर लो, c2 को रिप्लेस कर दो c2 माइनस c1 से, और c3 को रिप्लेस कर दो c3 माइनस c1 से। देखो दो जीरो बन गए। अरे भैया तुमको c1 में रिप्लेस करना है c1 माइनस c2 से तो भी हो जाएगा, और c2 को रिप्लेस करना है c2 माइनस c3 से तो भी हो जाएगा, जैसे लगाओ दो जीरो तुम्हारे बन जाएंगे। उसके बाद एक्सपेंड कर लो, जैसी एक्सपेंड करोगे आंसर आ जाएगा। ये चलो भाई, क्या है एक्सपेंड करने पर? बताओगे एक्सपेंड करने पे क्या आया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इनटू माइनस टू। यस, ये बच्चा बोला, बच्चा बोला कि सर एक माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, और माइनस कॉमन लेने पर अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और एक्स प्लस वाई और इन टर्म्स को कंबाइन कर लो तो ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आएगा क्वेश्चन इज फिनिश, यही आपका आंसर। अब भैया ट्रांसफॉर्मेशन लगाना सीख जाओ, क्योंकि आज से नहीं, हमको लग रहा है कि आज जो है ये मेरे ख्याल से 8वीं क्लास है, अगर अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन लगा ही नहीं पा रहे तो फिर क्या करोगे? थोड़ा कुछ होगा, इससे ज्यादा स्पीड क्या धीरे करें। चलो एक बच्चा कह रहा है सर एक और दीजिए, अब की कर लेंगे। चलो भाई एक और देते हैं, तुम्हारे मन का देते हैं, लो इजी वाला दिया। ये सारे ही इजी हैं, बल्कि अब ये लो एक और करो। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सब बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप करें, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करो। इसमें तो पहले से ही 111 बना है, जब 111 बना है तो उसमें कोई काम बचा भी हमारे लिए? R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से, और एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करोगे तो आंसर क्या आएगा? XY आएगा, यही लिखा है उसमें। चलो अपने आप करो। यस सर। ओके, तो बच्चों अब हम लोग जेई के एक दो क्वेश्चंस करते हैं,
पैकेज के अलाउ करते हैं, ये कर लिया सभी लोग ने, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें तो पहले से सबके जीरो जीरो बनाने में लगे हैं। ओके शिवांश, चलो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको क्वेश्चन का जवाब सोचना होगा क्या आएगा। ये लो क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने जेई। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना। मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a-i। अब ये ना पूछना आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो मैं नहीं लिखूंगा। कोई मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करती है एक रिलेशन को ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a-i, जहां पर n जो है वो 2 या 2 से बड़ा है। पूछ रहा है कि जो a की पावर n है वो किसके इक्वल होगा। a की पावर n इक्वल टू, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर। तो आपके पास चार आंसर है, पहला आंसर na-i, दूसरा आंसर 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए माइनस n माइनस 1 इंटू आई, तीसरा आंसर na माइनस n माइनस 1 इंटू आई, चौथा आंसर 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए माइनस n। सभी बच्चे एकदम जोर शोर से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें और आंसर की तरफ बढ़े। तो सबसे पहले यहां पर आंसर आ रहा है एक बच्चे का, बच्चे का नाम है अनिकेत। अनिकेत बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अनिकेत बताओगे ना तू? अनिकेत का नाम लेते ही एक बच्चा अचानक गायब हो गया। बैठा है सर। ओके पियूषी कर रही हो बेटा, बताओगे आंसर इसका? प्रज्ञा देखो जिन जिन बच्चों के नाम ले रहे बच्चे चले जा रहे। अरे भाई मैं, चलो करना स्टार्ट करो, ऐसे ना सोचो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी, एक बच्चे ने बताया ऑप्शन सी अंशुमन, और कोई? यस सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पहले से तो नहीं किया हुआ है? No. आजकल वो भी चल रहा है ना, क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमने लिखा, तुमने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया, तुरंत डाउट नेट में डाल दिया, और जैसे ही डाउट नेट में डाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलना चालू हो गया और तुरंत हमको बता दिया कि सर आंसर इज सी पार्ट। काश जेई मेंस का पेपर हो और उसमें सभी बच्चों को मोबाइल दिया जाए डाउट नेट डाल के, है कि नहीं, सबको आईआईटी बॉम्बे मिले। ओके तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, अब इससे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया ऑलरेडी, क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रहा उसका सॉल्यूशन। चलो अब चेक करो सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जब किया था तो मेरे को तो टाइम लगा था, आपका तो मेरे से कम टाइम में आंसर निकल आया, पता नहीं कैसे निकला है। चलो चेक करो, देखो ए स्क्वायर आपके पास दिया है 2a-i, आपसे ए की पावर n पूछ रहा है, n नेचुरल नंबर है, तो बच्चों जाहिर सी बात है आपने ए स्क्वायर निकाला, आप ए की पावर 3 निकालोगे या आप ए की पावर 4 निकालोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक सिमेट्री मिल जाएगी, और जैसी सिमेट्री मिलेगी तो आप ए की पावर n भी निकाल लोगे। तो पहले a की पावर 3 निकालोगे तो a की पावर 3 होगा a इंटू ए स्क्वायर या a स्क्वायर इंटू a, यही तो होगा। इसको सॉल्व करते हैं, a टाइम्स a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2a-i, ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2a-i। तो बच्चों यहां से a क्यूब आ गया,
2a into a, that means 2a square minus ai, इधर ध्यान दो बच्चों, a into i को मैं i नहीं लिखूंगा, मैं a ही लिखूंगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया, 2a square minus a, अब बच्चों फिर से इसको रिड्यूस करो, क्योंकि हम a square की वैल्यू डालते हैं, a square की वैल्यू कितनी है, 2a minus i, minus a, तो बच्चों ये a cube कितना आया, कितना आया, 2 into 2, यानी कि 4a, 4a minus 2i, यानी कि ओवरऑल ये निकल करके आया है आपका कितना आया 3a minus 2i, ये निकल गया है। सभी बच्चे पहले अपना a क्यूब चेक करें, भागिए नहीं, a की पावर 4 निकालिए, a की पावर 4 क्या होगा, a into a क्यूब, a क्यूब क्या है, a क्यूब है आपका 3a minus 2i, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो जरा, रिड्यूस करो बच्चा, ये कितना हुआ 3a square, कितना हुआ 3a square, a square की वैल्यू पुट कर दें, a square की वैल्यू 2a minus i, ये square की वैल्यू minus 2ai, तो 2a लिख दो उसको, मल्टीप्लाई करो जरा कितना आया, ये आया 6a minus 2a, कितना आया 4a हो गया minus 3i, बच्चों आपने a की पावर 4 भी निकाल दिया, अब जरा सिमिलैरिटी देखो, आओ बच्चों लोग इधर देखो जरा एक मिनट, सभी बच्चे इधर देखें, a स्क्वायर कितना निकाला है, a स्क्वायर निकाला है 2a minus i, a क्यूब कितना निकाला है, a क्यूब निकाला है 3a minus 2i, ठीक है, a की पावर 4 कितना निकाला, 4a minus 3i, अब ऐसे चलते चलो डॉट 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 a की पावर n, तो कितना हो जाएगा n a minus n minus 1 into i, ऑप्शन इज सी पार्ट, समझ में आया कैसे किया बच्चों, समझ में आया कि छोड़ के ही चले गए, आ गया सर, आ गया सर, प्रभांशु पाल ने भी आंसर बताया है, चलो ठीक है, ऐसे तुम लोग छोड़ के भागोगे तो हम थोड़ा ना सिखा पाएंगे, रुकना पड़ता है सीखने के लिए, रुकोगे तो ही सीख पाओगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं सीधा सीधा एडवांस का ही दे रहा हूं, जरा चेक कर लो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, ये रहा जेई, चलो ए इज एन इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स, ए जो आपकी इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स है और आपके पास गिवन है, वो मैट्रिक्स भी गिवन है, वो मैट्रिक्स आपकी है ए इज इक्वल टू, ये याद रखना ए इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का जो स्क्वायर होगा वो आई के इक्वल, आइडेंटिटी आपको बता दिया था, यस बेटा बिल्कुल दीपेंद्र, ये बच्चों आपकी मैट्रिक्स पूछ रहा है, देन इनवर्स ऑफ ए बाई टू विल बी, ये पूछ रहा है ए बाई टू का इनवर्स क्या होगा, तुम कहोगे सर हम तो ए का इनवर्स निकालना जानते हैं, ये ए बाई टू का इनवर्स पूछ रहा है, हाँ तो पूछ रहा है उसमें हम क्या करें, आंसर है 2a, ये है a इनवर्स बाई टू, ये b पार्ट और c पार्ट है a बाई टू और d पार्ट है आपका a स्क्वायर, करना स्टार्ट करिए, ऑप्शन की तरफ बताइए, आठ लोग क्लास से गायब हो चुके हैं, 58 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 50, 50 लोग बचे हैं, आज पीयूषी ने भी जवाब नहीं दिया, पीयूषी कर रही हो बेटा तुम हो क्लास में, यस सर, ओके अच्छा, पीयूषी ने अपना कैमरा चालू तो रखा है, हमने ध्यान नहीं दिया, ओके okay.
हाँ तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप कहोगे सर ये इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, तो आप फटाफट लिख दीजिए कि इसका जो स्क्वायर होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना। यानी कि सर ए का स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। और बच्चों अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी कि हम दोनों तरफ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट से मैंने यहां दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका कर दिया ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ए इनवर्स इंटू ए कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। आई ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, आई आई दोनों तरफ से हटा दो तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। कहोगे जादुई रिलेशन है, ए इनवर्स इटसेल्फ ए के बराबर है, लेकिन सर ये तो ए बाय टू का इनवर्स पूछ रहा है ना, ये तो ए बाय टू का इनवर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए बाय टू का इनवर्स। तो बच्चों मैंने इनवर्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था कि अगर मान लो ए बाय टू का जो इनवर्स है वो बी है, और अगर बी ए बाय टू का इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि बच्चों मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि अगर ए बी इज इक्वल टू आई आता है तो हम बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए। उसी तरीके से अगर हमें a by 2 का इनवर्स निकालना है तो हमने a by 2 का इनवर्स मान लिया वो b है, और a by 2 और b अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही बच्चों हम दोनों तरफ a by a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, और बच्चों ए इनवर्स और ए को कंबाइन कर लो तो वापस आई बन जाएगा, तो बी बाई टू इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। यानी जो बी था वो क्या निकल के आ जाएगा, बी आ जाएगा टू ए इनवर्स। तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए बाई टू, और बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, बी इज टू ए इनवर्स। और बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू आपने अभी जस्ट बताई थी कि कौन सी मैट्रिक्स यूज करके, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स का रिलेशन यूज करके आपने बताया था कि जो इनवर्स है वो इटसेल्फ ए के बराबर है। ए इनवर्स को आप ए से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी बी की वैल्यू जो आएगी वो टू ए आएगी, तो बी की वैल्यू टू ए है, इसलिए इसका आंसर ए पार्ट है। और बच्चों जब ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में कर रहे थे तो वो बी इज इक्वल टू टू ए इनवर्स निकाल चुके थे, लेकिन बस बी इज इक्वल टू टू ए इनवर्स निकालने के बाद आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उनको इनवॉलंटरी मैट्रिक्स का मतलब नहीं पता था। जिनको मतलब पता था उन्होंने वहां से रिलेशन निकाल लिया कि ए इनवर्स ए के इक्वल है, तो यहां से निकल के आ गया बी इज इक्वल टू टू ए। ठीक है बच्चों, क्या वो एडवांस का क्वेश्चन टफ है क्या, अरे बहुत इजी है यार, कुछ थोड़ा टफ है, बस थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है बस वो यूज किए जा रहे हैं, तो टेक्निकल टर्म्स तो हम आपको रेगुलर क्लास में चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। शुरुआत में बेटा लाइन बताओ, कौन सी लाइन बताएं, जहां सर आपने ए इनवर्स मतलब ए, ओके मैं आपको दोबारा बताता हूं, चलो मैं समझ गया, मैं पूरा दोबारा बताता हूं। तो बच्चों आपके सामने एक जे एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए आपकी एक इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, और बच्चों मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि इनवॉलंटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इसके बाद मैंने ए स्क्वायर को लिख दिया ए इंटू ए, ध्यान से देखो सॉल्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए इंटू ए। और बच्चों यहाँ पे इनवर्स से रिलेटेड काम करना था तो हमने दोनों तरफ ए इनवर्स ले लिया। जैसे ही बच्चों मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स ले लिया तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो बच्चों मेरे को ए का इनवर्स नहीं चाहिए था, अगर ए का इनवर्स चाहिए होता तो वो ए होता, लेकिन वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ए बाई टू का इनवर्स चाहिए। तो बच्चों आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है तो हम बी को कहते हैं इनवर्स ऑफ ए, लेकिन हमको यहाँ पे ए बाई टू मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। तो बच्चों मैंने लिखा ए बाई टू मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो बी है, और बी अगर ए बाई टू का इनवर्स होगा तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इस बेसिक डेफिनेशन को यूज किया जो हम लोग ने थ्योरी क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद बच्चों मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया, इनवर्स ए आई कर दिया, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई टू ए इनवर्स,
और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की वजह से ए इनवर्स ए हो चुका है तो बी की वैल्यू आ गई 2a. क्वेश्चन इज फिनिश, क्लास इज फिनिश, क्वेश्चन इज फिनिश. तो बच्चों यहां से आज की सेवा समाप्त की जाती है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, एक बच्चे ने क्या जवाब दिया हुआ है? अंशुमन. अंशुमन ने कहा आंसर इज बी. नो बेटा, आंसर इज नॉट बी. यस सर. थैंक यू सर. मैट. हाँ ओके बेटा, थैंक यू. Thank you. तो बच्चों ये याद रखिएगा कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का क्या यूज था. मैंने आपको एप्लीकेशन करके भी दिखाया क्योंकि पिछले टाइम पे मैंने आपको थ्योरी इसलिए बताई थी ताकि मैं इसको कहीं ना कहीं यूज करूं. और आज की सेमा में फाइनली को समाप्त करता हूं. धन्यवाद. थैंक यू सर. ओके. हैप्पी जन्माष्टमी.